हेलो क्रिकेटर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। हम जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो ग्लव्स यूज़ करते हैं उनके पाम जो है अक्सर फट जाते हैं। वो फटने की वजह क्या होती है? हम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में स्वेटिंग होती है और उस स्वेटिंग की वजह से जो लेदर है वो सड़ जाता है और हम जब बैट को पकड़ते हैं हमारे बैट के और ग्लव्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से वो फटना शुरुआत हो जाती है। तो उसको जब हम रिपेयरिंग को जाते हैं तो रिपेयरिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई में ओवल मैदान पे ग्लव्स को रिपेयर करके मिलते हैं तो वो 400 रुपये लेते हैं। ऐसी बहुत से जगह पे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे मुंबई में 400 रुपये लेते हैं। तो यही चीज़ आप घर पर भी रिपेयर कर सकते हो ईजिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर किए जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप घर पे मात्र 50 रुपये में इसको रिपेयर कैसे कर सकते हो, बिल्कुल जैसे वो लोग करके देते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, मेरे पास ये SG के ग्लव्स हैं जिसको मैंने 2000 रुपये में बाय करा था ऑनलाइन अमेज़ॉन से। तो आप देख सकते हो इसका, ये बिल्कुल भी फटे नहीं है, ऊपर से बिल्कुल अच्छे हैं, देख सकते हो आप लोग। सिर्फ इनका प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये देख सकते हो आप पीछे से, इसका जो लेदर है वो बिल्कुल फट चुका है, सड़ चुका है स्वेटिंग की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। देख सकते हो आप लोग, ये छेद हो चुके हैं इसमें, ये देख सकते हो आप लोग, ये वाटर बैंड भी देख सकते हो आप लोग, देखो किस तरह से फट चुका है, बिल्कुल फट चुका है, बिल्कुल काम की नहीं रहे, बैट पकड़ दो स्लिप हो जाती है। सिलने के बाद ये ग्लव्स बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, मैं पहन के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसको, ये भी फट चुका था, इसको मैंने सिला है, देख सकते हो आप लोग, फिनिशिंग देख सकते हो आप लोग किस तरह से। तो ऐसे ही आप कैसे ग्लव्स को घर पर रिपेयर कर सकते हो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को पूरी तरह से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको ग्लव्स को लेना है और जो ये अपना कटर है इससे आपको क्या करना है, जो ये साइड से है ना, ये वाली देखो आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड से ना अपनी, इसको सब कट कर करके इसको पूरा कट कर लेना है बाजू से। मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, मैं यहाँ से काटना स्टार्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। देखो इस तरह से आपको काट लेना है पूरा ये ग्लव्स का जो है बाजू से, पूरा इसको काट लेना है साइड साइड से। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो है ये नीचे वाला कपड़ा नहीं काटना है, ये वाला सिर्फ ऊपर से जो लेदर है इसको ही काटना है। तो मैंने इतना काट लिया है, अभी मैं पूरा ग्लव्स को काट के आपको दिखा रहा हूँ। A few moments later. तो देख सकते हो आप लोग, देखिए मैं किस तरह से इसको पूरी तरह से काट के इसका पाम बाहर निकाल दिया है, देखिए इस तरह, देख सकते हो आप लोग कितना सड़ चुका था ये। तो इस तरह से मैंने इसका पाम बाहर निकाल दिया है इस ग्लव्स का। तो हमको इससे इसी तरह से दूसरे ग्लव्स का भी पाम बाहर निकालना है। तो चलिए मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से निकालना है। सेम टू सेम इस तरह से करना है, कटर लेना है और साइड से इसको काटते हुए जाना है और पूरे यहाँ तक इसको काट देना है और बिल्कुल ये ग्लव्स भी इस तरह से दिखने लग जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको काट के। A few moments later. तो देख सकते हो आप लोग, इस तरह से मैंने दोनों ही ग्लव्स के पाम को निकाल लिया, देख सकते हो आप लोग, ये रहे पाम इसके, इसको मैंने निकाल दिया है पूरे यहाँ से। अभी आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा है इसका, ये यहाँ से इसको भी इसी तरह से निकाल देना है जिस तरह से हमने ये निकाला। कटर के यूज़ करना है आपको, कटर का यूज़ करना है और इसको भी इस तरह से निकालते निकालते जाना है पूरा यहाँ तक, पूरा इसका पाम को निकाल देना है आपको। देखो आप लोग, मैंने थंब का भी लेदर निकाल दिया है पूरी तरह से, इस तरह की एक चीज़ उसके अंदर से निकलती है जो यहाँ पे रहती है हमारे, इस तरह से थंब के ऊपर रहती है, प्रोटेक्शन के लिए रहता है खास करके। तो आप देख सकते हो मैंने जो है पूरी तरह से ग्लव्स को, थंब को, सब चीज़ों को अलग कर लिया है और इस तरह की चीज़ें आपके पास बचेगी। और जो ये बचेगा लेदर, ये आपको किसी काम का नहीं, इसको आपको फेंक देना पड़ेगा, ये आपको किसी काम में नहीं आएगा। तो आपको अभी करना क्या है, अगर आपके पास इस तरह से आपने कर लिया तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इन ग्लव्स को आप धो सकते हो ताकि फिर अच्छी तरह से लेके दे, वो काला काला दिख रहा है ये पूरी तरह से निकल जाएगा। ये मेल होता है अपने हाथों का, हम बहुत बार पहनते हैं, स्वेटिंग की वजह से इस तरह से हो जाता है। इसको पूरी तरह से धो सकते हो आप लोग पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-5 दिन लगेंगे इसको सूखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर की रुई होती है जो सूखने को थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 4-5 दिन लगेंगे। मेरे पास इतना टाइम लगे इसलिए मैं धो नहीं रहा इसको, आप धो सकते हो आप अगर धोना चाहे तो। सीधा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसके ऊपर जो पाम आता है वो किस तरह से आप कटिंग कर सकते हो और किस तरह से आपको सीलना है। तो बहुत सारे क्रिकेटर के मन में सवाल होगा कि ये मैं कहाँ से लेके आया। तो एक्चुअली मैं रहता हूँ मुंबई में हूँ, तो हमारे मुंबई में 99 फीट करके एक रोड है, वहाँ पर बहुत बड़ी लेदर मार्केट होती है हमारी, तो वहाँ से मैं जाके इसको लेके आया हूँ। और अगर जो मुंबई के बाहर रहते हैं
तो उनको अगर लेना हो तो क्या करे, तो आप जाओ ऑफलाइन ढूंढो आपके यहाँ पे लेदर मार्केट कहाँ पे, और उनको जाके बोलो मुझे 0.1 mm वाला शीप लेदर चाहिए, वो आपको इजीली इस तरीके का शीट दे देंगे। तो इस शीट की प्राइस है 200 रुपये, बहुत बड़ी शीट है इसकी, खोल कर दिखा दो आपको, देख सकते हो आप लोग। एक शीट में इजीली 4 ग्लव्स बन जाते हैं, मतलब 4 पेयर बन जाते हैं, टोटल 8 ग्लव्स बन जाते हैं एक एक सिंगल, और पेयर में 4 पेयर बन जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 200 रुपये मैंने परचेस किया, उसमें 4 ग्लव्स हम बना रहे हैं, तो 50 रुपये में 1 ग्लव्स बन जाता है आपका। तो बाहर जाकर 400 रुपये लेते, तो यहाँ पे हम 50 रुपये में 1 ग्लव्स घर पे बना सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस तरह से लेदर की शीट को लेना है, और ये जो है इसकी सीधी बाजू है, देखो ये जो है वाइट वाइट इसकी सीधी बाजू है, और ये जो है इसकी पिछली वाली बाजू है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, पर आपको क्या करना है, इसकी पिछली वाली बाजू को इस तरह से रखना है नीचे, देख सकते हो आप लोग, ये आगे वाली बाजू है, ये पीछे वाली बाजू है, ये पीछे वाली बाजू को रखना है, और इस तरह से अपना जो हाथ है ये दो, इसको इस तरह से रखना है। सबसे पहले मैं ये वाला हाथ को दिखा रहा हूँ आपको, क्या करके को इस तरह से हाथ को रखना है, और फिर उसके बाद एक पेन लेना है और एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। देखिए जो ये थम है, थम को नहीं निकालना है आपको, थम को इस तरह से ऊपर उठाना है और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, देखो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर वापस से इस हाथ को भी उसी तरह से ड्रॉ करना है, बिल्कुल देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, थम को उठाना है ऊपर और इमेजिनरी लाइन बनानी है, यहाँ पर इस तरह से आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। और इसके बाद और एक चीज़ करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपको क्या करना है, हमने जो पुराने ग्लव्स जो लेदर निकाला था, ये देख सकते हो आप लोग इस तरह से, उसको लेना है। अगर नहीं होगा आपके पास लेदर, ये पूरी तरह से फटा हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है हर बॉर्डर के बाद में छोटी सी लाइन को बढ़ा देना है इस तरह से। अब मेरे पास है तो मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग इस तरह से बराबर इसको जैसे था वैसे लगाना है आपको इस तरह से, और फिर इसको रख के फिर आपको एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल क्रूशियल चीज़ है, अगर नहीं भी होगी तो अंदाजे से आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि आपके हाथ को कंफर्टेबल हो जाए, टाइट ना फील करें आप, देख सकते हो आप लोग। तो इसके बीच में भी मैंने निकाला था, तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। नहीं होगा तो आपके पास तो आप इमेजिनरी कर सकते हो, आपस से एक बार बोल रहा हूँ, आप इमेजिनरी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हो आप लोग हमारा कितना छोटा था, और देखिए ओरिजिनल में ये नॉर्मल से चीज़ में बड़ा था, देख सकते हो आप लोग नॉर्मल से बड़ा। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, वापस से हम लोग इस हाथ को भी उसी तरह से करेंगे, ये हमारा टॉप हैंड वाला था ये हाथ, इस तरह से ये अपना बॉटम हैंड आ जाएगा अभी। तो अभी जो है मेरे पास, मैंने बॉटम हैंड का ले लिया, मेरे पास था ये पड़ा हुआ, तो इसको मैं रख रहा हूँ अभी, ध्यान से देखिए इस तरह से जैसे था वैसे, ओके। अब इसको भी हमको आउटलाइन ड्रॉ करनी है, किसी के पास नहीं होगा तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, जो भी हमने ड्रॉ करा था उसका इतना सा इंच आधा या सेंटीमीटर से बढ़ाना है और फिर ड्रॉ करना है। मैंने भी पहली बार जब बनाया था तो मैंने अपने अंदाजे से ही ड्रॉ करा था, दूसरी बार से फिर इस तरह से मेरे पास मेजरमेंट्स आ गए थे। तो इसके पहली बार में मुश्किल जाएगा आपको, पर आपको पता ही है स्वेटिंग की वजह से हमारे कितने बार ग्लव्स ख़राब हो जाते हैं, तो आपको बार बार सिलने ही पड़ते हो। अब एक बार आप सीख गए तो आपको फिर हर बार टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, हर बार 400 रुपये नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे, 50 रुपये में आप घर पे इसको रिपेयर करना सीख जाओगे। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है कुछ, देखिए ड्रॉ हो गया, देख सकते हो आप लोग अपना हाथ कितना हमने छोटा बनाया था और ओरिजिनली कितना बड़ा था, बिकॉज हमने जो है कट टू कट लिया था, पर जो ग्लव्स होते हैं उसको यहाँ पर भी जगह चाहिए होती है, तो इसलिए वजह से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। तो हमने इस तरह से बना लिया, अभी हमको करना है इसको कट। अभी जो भी हमने आउटलाइन बनाई है इनको हमको कट करना है, तो कैंची लेंगे हम और उससे हम लोग कट करेंगे। तो
ये हो चुके हैं हमारे हाथ रेडी काट के, देख सकते हो आप लोग, मैंने अच्छे से इसको काट लिया, फिट आ चुके हैं। अभी जो है हमको ये सर्कल्स काटने हैं, तो इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप बस ये होगा तो आप इससे काट सकते हो, अगर नहीं होगा तो आप इस कटर से भी इस तरह से छेद करके इसको काट सकते हो। तो मेरे पास ये है तो मैं इससे काट रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको इस तरह से बना देना है। ये हो गया हमारे हाथ रेडी, देख सकते हो आप लोग, ये हो गया बॉटम एंड अपना इस तरह से, और ये बन गया अपना टॉप एंड। अब इन दोनों को जो है हम इसके ऊपर सिलने वाले, देख सकते हो आप इस तरह से, इसको और इसको, इस तरह से हम लोग सिलने वाले हैं इसको, और ये बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। देखिए इसको भी मैंने सिला है, बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। तो अभी हमको जो है सबसे पहले इसका थंब भी हमको सिलना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लगने वाला है थंब, जो कि इस तरह से हम लोग सिलने वाले हैं, देखिए इस तरह से। और हमको यहाँ पे टॉप एंड का भी सिलना है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है कि ये जो उंगली है इसको सिलना है यहाँ पे, देखो इस तरह से ये आनी चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी यार इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसको और जो थंब के ऊपर होता है ऐसा इसको। तो इस तो इसमें एक प्रोटीप है कि हम इसी को जो हमने इसको काटा है इसी को वापस यूज कर सकते हैं, अगर किसका ये फटा नहीं है यहाँ से और यहाँ से, तो हम लोग इसी को वापस यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, ये जो है साइड का इसको काट देना है, देख सकते हो आप लोग। एक्चुअली में मेरा जो है ये ख़राब नहीं हुआ, तो मैं इसको वापस यूज़ कर सकता हूँ। अगर किसी को नहीं यूज़ करना है ये, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि हम इसको कैसे सिल सकते हैं, इसको और थंब को कैसे सिल सकते हैं, उस वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा आपको। क्योंकि ये बहुत से लोगों का ख़राब नहीं होता, एक्चुअली में पाम ही ख़राब होता है। तो ये अगर ख़राब होता है किसी का तो उसको भी रिपेयर करा जा सकता है, इसको भी रिपेयर करा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिपेयर करा, देखो इस तरह से मैंने थंब को लगाया, तो इसको भी बनाया जा सकता है इजीली। तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ किस तरह से आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हैं। तो इसको मैंने अभी बाजू में ले लिया, तो इस फिंगर को बाजू में लेना है आपको, और ये जो बच्चा हुआ ये किसी काम का नहीं, इसको फेंक सकते हो आप लोग। और एक बार अपने जो ये है जो थंब का, इसको भी काम में ले सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको भी काट के लेंगे, और इसको कभी भी काटते हो के ना इधर से मत काटना, इसको जो यहाँ से काटना काटते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ तरह से काटते, तो आपको इसी तरह से काटना है, बिल्कुल जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से काटना है। देख सकते हो ये क्रूशियल है, इसको जो है साइड से लेना है बिल्कुल, इसको बनाने में बिल्कुल भी गलती मत करना। ये बाकी का कुछ काम करने फेंक दे इसको। तो अभी जो है मैंने थंब का काट लिया, देख सको इस तरह से, देखो गाइस इस तरह से मैंने पूरा थंब का काट लिया है और ये ऊपर वाले फिंगर का काट लिया है। तो टॉप हैंड का सिलना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको टॉप हैंड का लेना है इसको, ये जो फिंगर है आपको इसको इस तरह से डालना है, देख सकते हो आप लोग। और अभी हमको सिर्फ इसको जो है यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर में सिलना है, और बाकी का उसको सील देना है। तो बॉटम हैंड है उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हमको करना क्या, ये जो हमारा थंब है और जो हमने ये पार्ट्स जो दूसरे पुराने वाले ग्लव्स से काटे हैं, इसको इस तरह से इसके ऊपर सीलना है। और ये जो है अंदर वाला एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, तो इसको भी हमको इसके अंदर डाल के फिर इस तरह से सीलना है, देख सकते हो आप लोग। हम आपका रेडी हो जाए, और फिर इसको हमको इस लेदर में अटैच करके इस तरह से हम लोग फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये तो टॉप हैंड की जो फिंगर होती है ये वाली, ये तो बन चुकी है। अभी हम लोग थंब कैसे बनाते हैं इसको मैं दिखाता हूँ आपको। और हमको क्या करना है अभी, ये जो है इसको ही इस तरह से सीलना है। सबसे पहले हमको सीलने को स्टार्ट करना है ऊपर से, देख सकते हो ऊपर से हमको सीलना है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये बाजू से ये दिख रहा है आपको, इसको इस तरह से आपको सील देना है हाथ से। देखिए ये रही सुई हमारी, दिखा तो आपको अभी किस तरह सील रहा हूँ मैं। देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको पूरी तरह से सील दिया है, देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको फेविकॉल लेना है, वो फेविकॉल लेना है, और इसको जो है
इसके अंदर डालना है, ये देखो इस तरह से इसके अंदर। इस तरह से मैं इसके अंदर इसको फिट कर दूँ। अभी हमारा थंब बन चुका है, हमारा ये उंगली भी बन चुकी है। अभी हमको क्या करना है, इसको लेना है जो हमारा टॉप हैंड है, ये जो है हमारा बॉटम हैंड है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो मेरा बॉटम हैंड और ये रहा मेरा टॉप हैंड। तो हमको क्या करना है, ये जो है उंगली इसको इस तरह से यहाँ पे सिलना है और ये जो है अंगूठा इसको इस तरह से यहाँ पे सिलना है। एक्चुअली इसको जो है हाथ से भी आप लोग सिल सकते हैं इस तरह से, आपको इस तरह से इसके अंदर डालना है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से सील देना है। और इसको भी सेम तरीके से आपको इस तरह से डालना है, इस तरह से इसके अंदर डालना है और इस तरह से आपको इसको सील देना है, सील देना है इस तरह से, आपको इसको सील देना है। तो ये आप हाथ से भी कर सकते हो, इसको करने के लिए आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे घर में मशीन्स है, मैं मशीन्स का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा टॉप एंड का जो हाथ का जो उंगली है इस हाथ हुआ, ये मैंने निकाल दिया था, मैंने दिखाया था पहले आपको। तो मुझे इसके अंदर इसको सीलना है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये पीछे वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, देख सकते हो मैं इस तरह से इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए रूल, जितना आपका कम्फर्ट जोन है ना उतना इसके अंदर डालना है। देखिए इस तरह से देखो डाल दिया मैंने इसमें, इसके अंदर। अभी मुझे जो है ये सर्कल में इसको सीलना है अच्छे तरीके से, तो दिखाता हूँ मैं इसको। हाथ से भी आप लोग सील सकते हो इस तरह, जैसे हमने ये थंब को सिला था उसी तरह से अपने को सीलना है। मशीन की सिलाई ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए मशीन से सिल रहा हूँ मैं। तो इसको इस तरह से पकड़ना है आपको और सर्कुलर में इस पर मशीन चला देनी है। देखो आपको सील के दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, देखो कितने मस्त तरीके से मैंने इसको सील दिया है। इसको और एक बार हम लोग सिलेंगे, एक सिलाई नहीं मारे, दो सिलाई मार। तो देख सकते हो आप लोग किस तरह से मैंने इसको सील दिया है। देखो ये पूरी तरह से हमारा टॉप एंड रेडी हो चुका है। अभी हम लोग बॉटम एंड को सिलेंगे इस थंब को। हमको करना क्या है, थंब को इस तरह से लेना है और इसके अंदर डाल देना है, इस छेद के अंदर, देखिए इस तरह से को इसके अंदर डाल देना है। इसको भी उसी तरह से सर्कुलर में सील देना है। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको पूरी तरह से सील दिया है, ये देखो बिल्कुल अच्छे से, ये देखो। अभी हमको बस इसको जो है ग्लव्स पे सीलना बाकी है। देख सकते हो आप लोग, मैंने दोनों को जो है सील दिया है यहाँ पे। अभी हमको जो है इसको जो है ग्लव्स पे सीलना है। तो चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं किस तरह से इसको ग्लव्स पे सील सकते हो आप लोग। गाइज अभी हमने क्या कर लिया, ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमको ग्लव्स को लेना है इस तरह से। तो अभी हमको क्या करना है, इस तरह से इसको ग्लव्स के ऊपर सीलना है इस तरह से। तो अभी मैं टॉप एंड को ले रहा हूँ। सबसे पहले हमको सुई लेनी है धागा पिरो के इस तरह से, और कभी भी स्टार्ट करते हो आपको ना इस उंगली से स्टार्ट करना है, जो अपनी ये वाली उंगली होती है इससे स्टार्ट करना है। तो मैं अभी इससे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सीलना। देखिए ये देखिए इस तरह से। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है इस ग्लव्स में, बिल्कुल आपका ग्लव्स रेडी हो चुका है बना के। अभी आपको क्या करना है, इस तरह से इसको हाथ से सीलना है। एक्चुअली जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रीज में मशीन्स होती है इसको सीलने की, पर हम घर पर इसको मशीन पर नहीं सील सकते, इसलिए आपको इसको हाथ से ही सीलना पड़ेगा इस तरह से। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लग जाएगा, इजीली आप इसको घर पे सील सकते हो। देखिए मैंने अभी यहाँ तक इसको सील लिया है। अभी मेरे को करना क्या है, हमको करना क्या है अभी, कि हमको जो है इधर तक ही सीलना है, पूरा इधर तक नहीं सीलना है। अभी हमको यहाँ से सीलने को लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से पूरा यहाँ तक सील के लेना है, और फिर लास्ट में फिर यहाँ पे आके जोड़ना है। देखिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से सीलना।
1 hour later. गाइज अभी हमारा एक ग्लव्स बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसको पूरी तरह से सील दिया है, देख सकते हो आप लोग, फिनिशिंग देख सकते हो। मैं वापस से आपको एक बार दिखाता हूँ, पहन के दिखाता हूँ आपको, तो देखो एकदम परफेक्ट फिटिंग में आया मेरे को एकदम अच्छे से। अभी हम लोग इसी तरह से जैसे मैंने ये सिला, इस तरह से हम इसको भी सिलने वाले हैं। बिल्कुल साइड से जो है इसको सुई धागे की मदद से सिला है, एक एक टाका मार के, और बहुत जल्दी हो गया मेरा, इतना भी वक्त नहीं लगा। अब इसी तरह से मैं इस ग्लव्स को भी सिलूंगा। सबसे पहले आपको इस उंगली के साथ स्टार्ट करना है सिलने को, सबसे पहले आपको इधर से स्टार्ट करना है सिलने को, इधर से पहले यहाँ तक सिलना है, फिर यहाँ तक आने के बाद छोड़ देना है, और फिर ये जब आप उंगलियाँ सिल दोगे फिर लास्ट में आकर ये लास्ट वाला सिल देना है। वैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ से यहाँ तक सील दिया है। अभी आपको इतना भी नहीं सिलना है, यहाँ पे थोड़े से छोड़ना है। अभी आपको यहाँ से लेना है सिलने को, ये इस तरह से। ये सिलने के बाद फिर लास्ट में हम लोग ये वाला पार्ट जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको एक जादू दिखाऊँ, इसको 2 मिनट में करके दिखाऊँ, देखिए 1 2 3 देखिए बन गया अपना ग्लव्स। मैंने इसको भी इसी तरह से सिला है, कोई जादू नहीं, इस तरह से सिला है मैंने इसको सुई धागे की मदद से, जैसे हमने ये वाला ग्लव सिला था। तो हमारे ग्लव सिल के बन चुके हैं अभी, ये देखिए एकदम अच्छी फिनिशिंग मैंने इसे बनाया। ये देखो मैंने इसको अभी पहन लिया, देख सकते हो, और फिनिशिंग देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने सिला। दोनों हाथ को पहन के दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखिए किस तरह से बन चुके हैं। अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे बैट पकड़ के, ये कैसा फील देते हैं, कैसी ग्रिप देते हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको। गाइस देखो अभी मैं ग्लव्स को पहन के आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस कैसा आता है। पहन लेता हूँ ग्लव्स को, पहले मैं बैट को पकड़ रहा हूँ, ये देखिए परफेक्ट ग्रिप आ रही है, जैसे हमारे नॉर्मल ग्लव्स में आती है वैसी बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत सही में बताऊँ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल हमारे जैसे ग्लव्स रहते हैं बिल्कुल वैसे ही है। आप रियली ट्राई कर सकते हो इसको, 50 रुपये में आप घर पर सिल सकते हो, बाहर 400 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, बाहर 400 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इजीली इसको बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत बार बनाया है, बहुत यूज़ किया है मैंने इसका, और एक बार आप लेदर लेके आओगे तो इसे 4-5 बार तो इजी बन जाता है। तो देखिए आपके ऊपर है करना है या नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़रूर मेहनत लगती है थोड़ी सी, इतना भी आसान नहीं है बनाना, लेकिन अगर आप बनाना सीख गए एक बार तो आपका फिर पैसे बचने वाले हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे मदद होने वाले हैं। अरब क्रिकेट खेलना आपको पता है कितना खर्चा आता है, इसमें ये खर्चा जोड़ दोगे तो और बढ़ जाएगा, इसे ये खर्चों का अगर आप कम कर पाओ तो अच्छा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए।